आप शुरू करेंगी या मैं शुरू करूँ? आप शुरू करें फिर मुझे बातें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हूँ मैं आपके साथ बीके डेली ब्लॉग में हमाइल से। सलाम नहीं करूँगी मैंने पहले। देखिए मैं तो करूँगी ना। अच्छा पता है क्या फर्ज बनता है, आज का लेक्चर है हमारा शोहरों पर। कट करो कट सॉरी हमारा शोर बहुत अच्छे, शोरों के लिए नहीं दोबारा शुरू करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट हमाइल सईद। मैं भी ज़ारी बन गई हूँ इस बात का, मुझे कट कर देना है मुझे। क्यों भाई? नहीं बताती तो कि नहीं बताएं इसमें क्या ये क्यों नहीं ये नहीं क्यों भाई लोग लिखते नहीं है जबरदस्त कैमरा बंद कर नहीं क्यों भाई फकर से बताना चाहिए है तो है क्या मतलब कैमरा बंद कर हाँ किसी कैमरा बंद कर भैया देखो लोगों को बेनजीर इनकम स्पोर्ट आज तक मिल रहा है मैंने खुद देखा और खा रहे होते हैं और मैंने यकीन करो आज तक बड़ी कोशिश की बन जाए मेरा लेकिन मेरा नाराज हो गई है अब आपके बहुत लंबी हो गई वैसे तू कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गई बेटी वो फिर मैं अपने स्टाइल में अच्छा पता है क्या सीरियस भी हूँ तो मसला है ना भी हूँ तो तब भी मसला है गाइस मुझे कुछ समझ मेरा दिल कर रहा है बाहर के पराठा और चाय खाने का भी आप इसको बस दिल ही कर रहा था क्या खाने का दिल तो शहरी बाइक बस इसका दिल कुछ ना कुछ करता रहता है अभी इसका दिल पता नहीं क्या करो उससे पहले बना लो अच्छा पता है पता नहीं लोग क्या समझ लेते हैं मैं तो ऐसे नॉर्मली एक बात कर रही हूँ तो लोग कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लेते हैं लेकिन एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि जो है ना मैं कब से सोच रही थी कि ये जो है ना मैं मैसेज दूँ पर जितने भी लोग देखते हैं ना मुझे 100 देखते हैं 50 देखते हैं 30 देखते हैं एक भी या दो भी देखते हैं ना उनके लिए भी ये मैसेज ज़रूरी है बिल्कुल कि जो है ना अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है जिसकी भी बेटियाँ हैं जो बहनें हैं ना अपनी बहनों के लिए करती हैं या जो भाई हैं ना तो उन भाइयों के लिए मैसेज है कि अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको साथ में ये भी सिखाएं कि जब वो शादी करके जाती है ना अगर कि वो अपना कमाने वाली है ना तो उसके साथ अपने उसूल भी तरबियत उनकी ऐसी करो कि उनको अपने उसूल और अपने हुकूक पता होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिपेंडेंट हैं तो अपने शोहर को बिल्कुल मुँह ना लगाएं अपने घर आपके हकूक पूरे होने चाहिए करने चाहिए हकूक पूरे करें और जो है ना जैसे एक आम औरत एक हाउस वाइफ करती है ना घर की एक इंडिपेंडेंट औरत जो है ना पैसे कमाने वाली उसको भी बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए कि मेरे हस्बैंड के काम जो हकूक है मुझे सारे पूरे करने वो मुझे काम सारे करने अक्सर मैंने मर्दों को और जो है ना लोगों को इस वजह से देखा है कि अपनी बेटियों को नहीं करते कि वो समझते हैं कि औरत अगर ज्यादा वो हो जाती है ना कमाने वाली तो शायद वो अपने बिगड़ जाती है खराब हो जाती है ऐसा कुछ और मैंने देखा है खास करके औरतें ऐसे करती भी है ना फिर वो इस तरह ये बातें सच हो जाती है मैंने देखा है लेकिन साथ में अपनी बेटी को ये जरूर सिखाओ कि जो है ना अगर आप कमाती हैं तो उसका मतलब वो औरतें बिगड़ती हैं आप ही जो मैं बताऊं मैंने जो देखा अपनी लाइफ में जो हॉस्टल में नई नई गांव से उठ के आती हैं जिनके माँ बाप उन पर भरोसा भी करते हैं और हॉस्टल में ऐसे फेंक देते हैं वहाँ के माहौल बिल्कुल नहीं अच्छे होते हैं और वहाँ पे मतलब बिगड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती है उनकी वजह से दूसरी लड़कियाँ भी ख़राब हो जाती हैं ये शोर जो अपनी बीवियों को रोकते हैं ना कमाने से उनके लिए भी मैसेज है कि नहीं अपनी बीवियों का पूरा पूरा साथ दें क्योंकि उनकी हज़ार ज़रूरतें होती हैं देखो ना ये बात होती है ना कि उसको मांगना पड़ता है ना तो वो बात गलत है कि अपना उसके पास इतना हो कि उसको मांगना ना पड़े अपनी ज़रूरतें वो खुद से अच्छे से पूरी कर सके वो बिल्कुल भी ना मांगे तो अपनी बेटी को ज़रूर इंडिपेंडेंट बनाए ताकि अपने उसूल काम सारे पूरे करे और शोहर के लिए भी मैसेज है कि अपनी बीवियों के सारे हुकूक पूरे करे और उनका बिल्कुल उनका साथ दो उनके काम में ताकि वो जो है ना देखें और ये सुन्नत भी है और जो है ना घर में औरतें काम करके ये चीज़ें करके ना कहीं से वो भी तंग आ जाती हैं उनको भी दिल करता है कुछ करने का तो वो अच्छा है भले कितना भी आपके पास कमाई है कुछ भी है ना लेकिन एक बिजी रहना एक जो होता है ना औरत के लिए ना ये चीज़ बहुत अच्छी होती है देखो हम कितने घर के काम करते हैं ये चीज़ें करते हैं लेकिन कहीं ना उसके बावजूद भी हम सोच रहे होते हैं हम कुछ ना कुछ करें बहुत ज़रूरी है हमें किसी से कुछ बोलना ना पड़े और हमें मतलब हमारी ज़रूरत खुद ही पूरी हो जाए खुद ही पूरी होती जाए और ये तो अच्छी है कि हम अपने मतलब पैसे भी सेव कर सकें कभी आपके ऊपर बुरा वक्त भी आ सकता है और अच्छा और महंगाई तो आप देख ही रहे हैं बहुत महंगाई है बहुत ज़्यादा हो गई है उस हिसाब से मैं आज ये सिर्फ मेरा आज का जो टॉपिक है ना मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ उन माँ बाप से उन भाइयों से कि अपनी बहनों को अपनी बेटियों को
इंडिपेंडेंट बनाए, साथ में उनको अपने हुकूक उसूल भी सिखाए, उनकी तरबियत बताएं, उनको बात बात पे जो औरतें कहती हैं ना मुझे तलाक दे दो ये कर दो, ज़्यादातर कमाए कमा लेती हैं तो भी ये चीज़ें करती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना अपने जहन में रखें कि जो है ना अपने घर को अच्छे से चलाना है, खुद खुद इंडिपेंडेंट भी बनना है और औरत भी हमेशा ससुराल के साथ अच्छी लगती है, अपने घर के साथ ही अच्छी, हुकूक भी पूरे करने हैं और जो है ना साथ में खुद कमाना भी है। बिल्कुल, तो अपनी बेटियों को घर बिठा के इसे मतलब नहीं करवाएं कि इसे यही जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है, तो क्योंकि आपने शादी के बाद भी बेशक ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा साथ है, साथ में हुनर भी दे अपनी बेटियों को, घर के काम भी सिखाएं और अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं। मेरा आज का ये मैसेज है, भले दो लोग देखते हैं ना तीन देखते हैं, अपने दिमाग में ये बात बिठाएं, अपनी बेटियों पे भरोसा करें, अगर आप भरोसा करेंगे तो इंशाल्लाह और अपने साथ इतनी अटैचमेंट करें अपनी बेटियों की, बिल्कुल दोस्तों की तरह शेयर करें और डरे ना वो, ताकि हमारे बाबा भी हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहे थे, मेरा फरहाद है ना, और मम्मा मैं उसको रूम में बैठ के यकीन करो ना बताती हूँ, फरहाद बिल्कुल दोस्तों की तरह ही है, बहुत बाप से अपने डरता है लेकिन मेरे साथ वो बातें करता है, क्योंकि मैं उसको ना इतना बोलती रहती हूँ कि फरहाद मुझे हर बात बतानी है कि जो है ना डरना नहीं है कुछ भी, मैं आप झूठ बोलोगे ना उस पर ज्यादा मारूंगी, कुछ बता दोगे ना उस पर आपको बताऊंगी कैसे करना चाहिए, हाँ, ये चीज गलत ताकि है आप और आपसे कोई फायदा ना उठाए कि ये चीज, अगर देखो बच्चे ने कुछ गलत कर दिया बाहर किसी ने देख लिया तो वो उसको धमकाएगा, अगर ये नहीं करोगे ना तो मैं आपके माँ बाप को बता सही दूंगा, बात है, आप पहले ही बता दो, आपसे कोई बाहर गलती हो भी जाती है ना तो आके मुझे बोलो अम्मी ये मुझसे गलती हो गई है, अम्मी ये मुझसे गलती हो गई है कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी की धमकी में भी नहीं आना, तो अपने बच्चों को अपनी बेटियों को अपने साथ अटैचमेंट करें और इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि आजकल का दौर भी बहुत खराब है, उनको बाहर वालों पे भरोसा करने के बजाय वो अपने घर वालों पे भरोसा रखें, हमारे चाहे वो भाई हैं, हमारे तो वैसे रिवाज हो गया हमारे मर्दों के ना जो भी हैं हमारे खानदान में दूसरी शादी करने का, हमारी औरतें तो वैसे ही बेचारी रुली हुई है, तो अब मैं जितनी जितनी छोटी बेटियां पैदा हो रही है ना गाँव में, अपने गाँव वाले मेरे सारे देखते हैं, उनके लिए मैसेज है कि अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ कि दाके उनको छोड़ के चले जाते हैं, अपने भी कर लेते हैं बाहर फिर शादी और कोई घर भी होते हैं जो कर छोड़ के चले भी जाते हैं ना, ताकि आपके पास इतना हो कि आप अपना अच्छे से अपनी जिंदगी अपनी और अपने बच्चों की गुजार सके, अगर आपके छोड़ के चला भी जाता है ना तो अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सके और अच्छे से चल सके, हाँ आपका नहीं बन रहा आप अलग हो जाए, ये हमारे दीन में भी है, और कभी भी आप मतलब मत करें कि यार इस बंदे की डिवोर्स है या इस लड़की की है, आप उसके साथ रिश्ता निभा के देखें क्या पता वो आपके कोशिश घर को करें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अगर कि आपके बच्चे हो गए ना फिर तो आप कोशिश करें कि आप डिवोर्स ना लें, अपने बच्चों की खातिर ना लें, अपने बच्चों को संभालें, अगर कि नहीं हुए फिर भी आप कोशिश करें अपना रिश्ता चलाने की, एक बार दो बार तीन बार कोशिश करें, अगर नहीं होती तो फिर अलहदगी होना ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो एंड मोमेंट जब बिल्कुल हद पार हो जाता है खुदकुशी करने से अच्छा कि फिर अलहदगी आराम से कर लो। आज का मेरा खास टॉपिक ये था कि अपने बच्चों को इतना वो बनाए और अभी भी अपनी बेटियों को अगर वो घर में उस घर में नहीं रह पा रही है या उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो उनको ये ना बोले कि वहाँ ही रहना है और वहाँ ही रगड़े खाने, नहीं तो अपनी बेटियों का साथ दे, यही कह रही हूँ, बेटियों की बात सुनना जरूरी है बहुत है कि क्या सच्चाई है, और ये ना है ना हमारे गाँव में इतना बेटियों को पढ़ाते नहीं है ना, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ, दूसरी शादियां भी कर लेते हैं बेटियों को पढ़ाते भी है नहीं, और फिर जो है ना वो बेचारियाँ बैठ के बच्चे पालती हैं और खुद मर्द बाहर ऐशियां कर रहे होते हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जो है ना अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ कि जो चले भी जाते हैं ना उनको छोड़ के तो अपनी जिंदगी से निकल के भी रहना चाहिए, ये एक बहुत ट्रिक है कि ताकि आपका शोर आपसे खुश रह सके, ताकि वो आपको गंदगी वो पूरा दिन बाहर रहेगा घर आए लेकिन तो आपकी हालत ऐसे होगी जाहिर है वो तो इरिटेट होगा, लेकिन कितनी औरतें अच्छी हैं उनके भी वो करके जिनको करनी होती है वो कर लेते हैं, लेकिन जो कर लेते हैं तो चलो कर लेते हैं, खुद इंडिपेंडेंट होगी ना तो तुम लोगों का चलो अच्छा चल सकेगा, तो बस इतना मैसेज है अपनी बेटियों का साथ दो, अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाओ, भाई है बहनों को रोकते हो बहनों को ना रोकें क्योंकि और भरोसा करें, भरोसा करें और उन पे भरोसा रखें क्योंकि आपकी तरबियत जो है ना वो कभी वो नहीं, यार आपकी बहन ही हूँ आपकी बेटी ऐसे पहले अपनी बेटी से बात है कि नहीं, कुछ लोग होते हैं शुरू हो जाते हैं तो ये बहुत भरोसा रखना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, बल्कि उल्टा उस मुंह बंदे का तोड़ के आना चाहिए कि हमारी बहन और बेटी ऐसी नहीं है, क्योंकि आप अपनी बहनों को जानते हैं आप अपनी बेटियों को जानते हैं, बाहर वाले कुछ भी कह सकते हैं, और रमजान चल रहा है हमारी दुआएं कि आपका रमजान बहुत अच्छा गुजरे, बरकतों वाला खैर वाला, और हमें दुआ करें हमारा भी रमजान अच्छा गुजरे। मेरा कैमरे में आने का बस इतना मकसद था क्योंकि मुझे ये मैसेज देना बहुत जरूरी था, बाकी अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।